जय श्री महाकाल दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर के जो आपका सेकंड सेमेस्टर का आज पेपर हुआ है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का, उसके पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु की, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, 2 मिनट रुकेगा हम ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, यदि किसी वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत 10% परिवर्तन होता है होने पर वस्तु की मांग में 5% परिवर्तन होता है, तो मांग की जो लोच होती है, मांग की लोच कितनी होगी? तो जो मांग की लोच होगी दोस्तों कितनी होगी आपकी, 0.5 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर राइट बी आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है कि जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था, जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर बी का आपका आंसर हो जाएगा मॉल्थस द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था आपके, मॉल्थस द्वारा जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स की, थ्री की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लाभ किसके लिए पुरस्कार माना जाता है? तो दोस्तों जो लाभ है वो जोखिम वहन करने वाले के लिए, किसके लिए, जो जोखिम वहन करने वाले के लिए लाभ पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या था आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रारंभ प्रभाव में आई थी? दोस्तों जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी वह आपकी 2000 में प्रभाव में आई थी। कब प्रभाव में आई थी, 2000 में प्रभाव में आई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है? तो इनमें से कौन है जो वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है? तो काम की जो प्रकृति होती है वही वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते हैं। सिक्स की, सिक्स है आपका पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत, पूंजी के प्रयोग के लिए जो कीमत भुगतान की जाती है वह क्या होती है? तो आपका ब्याज होता है। पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई जो कीमत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन है श्रम को अलग नहीं किया जा सकता, जो श्रम है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो किससे नहीं किया जा सकता है आपके, जो किससे नहीं किया जा सकता, श्रमिक से श्रम को अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, किसके अंतर्गत एकल उपयोग उत्पादक वस्तुओं में कमी आती है? तो एट का आंसर हो जाएगा आपका स्थिर पूंजी के अंतर्गत जो एकल उपयोग वस्तुएं होती हैं उनको वस्तुओं में कमी आती है, उत्पाद वस्तुओं में, उत्पादक वस्तुओं में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर नाइन आपका है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग कहलाती है, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो कुल मांग होती है वह क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका आंसर हो जाएगा बी, कौन सा बी आपका आंसर हो जाएगा, समग्र मांग वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेन की, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है? तो बेरोज अर्थव्यवस्था में उत्पाद का स्तर समष्टि अर्थशास्त्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन क्या बोलता है आपका, टी आर मोल्थस ने अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध प्रकाशित की थी, तो कब प्रकाशित की थी? यह इन्होंने 1798 में प्रकाशित की थी। क्वेश्चन ट्वेल्व, प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्म की जनसंख्या जो होती है प्रतिवर्ष मानी जाती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा आपका जन्म दर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, मुद्रा स्फीति के कारण होता है, तो मुद्रा स्फीति का कारण डेड डेस होता है, तो मुद्रा स्फीति का जो आपका कारण होता है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा स्फीति का कारण है कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि करना ही मुद्रा स्फीति का कारण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा स्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, जो लाभ लेने वाला व्यक्ति होता है उसको, मुद्रा ऋण लेने वाला व्यक्ति जो होता है उसको मुद्रा स्फीति से अधिक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 15 क्या है, मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, कौन सी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 16 की, वस्तु की कीमत को मुद्रा स्फीति कैसे प्रभावित करती है? तो वस्तु की कीमत को मुद्रा स्फीति जो होती है आपकी वो वस्तु की कीमत बढ़ा देती है, इस प्रकार वो वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियाँ हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो 3 विधियाँ हैं दोस्तों वो उत्पादन वे और आई संगणक विधियां है ना, संगणना विधियां ही होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्फीति का बिल्कुल उल्टा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा, जो अवस्फीति है ये मुद्रा स्फीति का बिल्कुल उल्टा होता है। 18
के बाद 19 की बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या रक्षा के लिए, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी सार्वजनिक व्यय के मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भुगतान स्थानांतरण से जुड़े होते हैं, भुगतान स्थानांतरण से जुड़े होते हैं, 20 का आपका आंसर हो जाएगा अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन और सार्वजनिक व्यय सभी जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सार्वजनिक और सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो आपका जो कर होता है, क्या सरकारी राजस्व का स्रोत ही कर होता है, ओके, टैक्स से मिलेगा तभी तो उसका राजस्व बढ़ेगा, ओके। सार्वजनिक व्यय संदर्भित होता है, 22 का आंसर हो जाएगा आपका सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय किसे संदर्भित होता है, तो सरकारी व्यय से संदर्भित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्याज भुगतान हिस्सा है, जो ब्याज भुगतान होता है किसका हिस्सा है, तो ब्याज भुगतान आपके गैर विकास संबंधी व्यय का, विकास संबंधी व्यय का और पूंजी व्यय का, इन सभी का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत निर्माण मनरेगा उदाहरण है, जो भारत निर्माण मनरेगा है किसका उदाहरण है, योजनागत व्यय का, किसका, प्लान एक्सपेंडिचर का, है ना, प्लान एक्सपेंडिचर का क्या है ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा है जो योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं है, तो आपका जो रक्षा होती है कौन, डिफेंस, योजनागत व्यय का रक्षा का हिस्सा नहीं होती है। 26 क्या है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या हम कहते हैं, राजस्व घाटे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटे के नाम से जाना जाता है, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान विश्व में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, डी आपका आंसर 28 का हो जाएगा। 29 भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है, 29 का आपका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी रूप में, किस रूप में, पूंजीवादी रूप में, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द जो होता है आपका निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके 30 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। उपभोक्ता बचत किसके द्वारा दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ये भी किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, बजट रेखा इस नाम से भी जानी जाती है, जो बजट रेखा होती है उसको हम बजट प्रतिबंध के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, बजट कॉन्स्ट्रेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तटस्थता वक्र कैसा होता है, तटस्थता वक्र जो होता है आपका काट सकते हैं, कैसे होते हैं, काट सकते हैं, है ना, कैन इंटरसेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, मांग की आई लोच, जो मांग होती है उसकी जो आई लोच होती है कैसी होती है दोस्तों, कैसी होती है, सभी सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक, घटिया वस्तु के लिए ऋणात्मक, ए और बी दोनों, मांग की आई लोच, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो मॉर्सल के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा, मॉर्सल के द्वारा दी गई थी, बी वाला राइट होगा। उच्चतर तटस्थता वक्र का तात्पर्य है, तो 37 का आंसर क्या होगा, उच्चतर तटस्थता वक्र का तात्पर्य उच्च संतुष्टि से है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिस्थापन सीमांत दर एक्स और वाई वस्तु के बीच व्यक्त की जाती है, 38 का आंसर होगा आपका बी, MRSXY = डेल्टा वाई / डेल्टा एक्स, है ना, इसको हम डेल्टा या फिर त्रिभुज के रूप में कुछ बोल सकते हैं, तो आपका बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आगत की कीमतों में कमी से होती है, 39 का आपका आंसर हो जाएगा पूर्ति में वृद्धि, आगत की कीमतों में कमी से क्या होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या होगा कि कुल उपयोगिता है, 40 कुल उपयोगिता है, तो सीमांत उपयोगिता का योग, कुल उपयोगिता क्या है आपकी, सीमांत उपयोगिता का योग होती है, बी वाला राइट हो जाएगा। 41 वापिस शायद 42 किया ना हमने अभी, अच्छा 41 ओके सॉरी 41। क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य होता है, जो क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य क्या होता है, बी और सी दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। कौन कौन सा, उपयोगिता मापी नहीं जा सकती और उपयोगिता को क्रम में रखा जा सकता है। 42 तटस्थता वक्र होता है, जो तटस्थता वक्र होता है किस प्रकार का होता है, तो आपका कैसा होता है, उन्नतोदर आकार का, कॉन्वेक्स शेप्ड में होता है, कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप्ड में होता है। 43 पूर्ति की लोच को लिखा जा सकता है, जो पूर्ति की लोच होती है उसको लिखा जा सकता है, तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में उसको लिखा जा सकता है, ए वाला राइट होगा 43 का। 44 मांग की लोच की सीमा, 44 जो है मांग की लोच की सीमा कैसी होती है आपकी, जीरो से अनंत, कैसी होती है, जीरो से अनंत होती, बी वाला राइट होगा आपका। बात करते क्वेश्चन नंबर 45 की, 45 क्या बोलता है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका कौन सा होता है, 45 का आंसर होगा बाजार कीमत पर शुद्ध पर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर होगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद है, तो 46 का आंसर होगा आपका लाभ प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 शायद हमने छोड़ दिया है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय भी कहा जा सकता है, तो दोस्तों जो एनएनपी होता है आपका, क्या एनएनपी, क्वेश्चन नंबर 47 का सी जो है आपका बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये जो होता है आपका इसका राइट आंसर होगा, इसे राष्ट्रीय आय भी कहा जा सकता है, इसको क्या कह सकते हैं हम, राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं, एनएनपी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इस रूप में भी कहा जा सकता है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसे किस रूप में भी कहा जा सकता है, तो उसे मूल्य सिद्धांत के रूप में भी कहा जा सकता है, प्राइस थ्योरी, किस रूप में, प्राइस थ्योरी के रूप में भी उसे हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 49 की बात करेंगे कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, तो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, मतलब GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ओके 50 का आंसर हो क्या, 50 क्वेश्चन है, उपभोग्य आय क्या होती है, तो उपभोग्य आय होती है वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर, इन दोनों को माइनस है ना, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स क्या होती है आपकी, डिस्पोजेबल इनकम होती है या फिर उपभोग्य आय होती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर आपका है 51, संपूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है, तो संपूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की आड़ी लोच होती है दोस्तों, इसका जो आंसर क्या है ये हमें मिल नहीं पाया, यदि आपको किसी को भी इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखे जा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का जो होगा इससे मतलब कि इससे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनका आंसर मालूम पड़ जाएगा है ना, तो 51 का आंसर जिस किसी को भी मालूम हो वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ओके। 52 की बात करते हैं, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है, 52 तो कैसी होती है, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है आपकी, 52 का आंसर हो जाएगा आपकी धनात्मक होती है आपकी। इसमें क्या आड़ी लोच तो पूछी है, लेकिन कैसी पूछी, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं को देकर पूछी हुई है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें संपूरक वस्तुओं की पूछी हुई है, सॉरी प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है आपकी, धनात्मक होती है, ओके। तो आपका इसका वैसे कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो आंसर है आपका ऋणात्मक इसका आंसर हो सकता है, कन्फ्यूजन में है, पक्का आप नहीं लगा सकते कि पक्का आपका ये आंसर है, लेकिन आपका जो आंसर है नेगेटिव वाला आपका आंसर हो सकता है, ओके, क्योंकि जैसा कि मैंने पढ़ा था इसको तो उसमें दोनों वस्तुएं ही होती हैं, ये एक धनात्मक दे रहा है तो दूसरी ऋणात्मक हो सकती है, बाकी उसमें कन्फ्यूजन है 52 का, लेकिन आपका राइट है, ओके। 53 क्या होता है, गिफेन वस्तुएं होती हैं, कौन सी वस्तुएं, गिफेन वस्तुएं हैं, तो 53 का आंसर हो जाएगा विलासितापूर्ण वस्तुएं, कैसी, लग्जरीज गुड्स है ना, विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं गिफेन वस्तुएं।
क्वेश्चन नंबर 54, असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग की आड़ी लोच होती है कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 55 की, हिग्स एलन का अनधिमान सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? आपके कमजोर क्रम में रखने पर। किस पर? कमजोर क्रम में रखने पर। क्वेश्चन नंबर 56, जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में क्या होता है? तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 57, विकास संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो विकास संबंधी परिभाषा पी ए सैमुएलसन के द्वारा दी गई थी। 57 का सी, उपभोक्ता बचत की गणना की जाती है, जो उपभोक्ता बचत होती है उसकी गणना कैसे की जाती है? 58 का आंसर हो जाएगा बी, प्राप्त कुल उपयोगिता, है ना, प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता। 59, राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई थी? जो राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक है ये किस वर्ष में लिखी गई थी? तो 59 का आंसर हो जाएगा 1776 में राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक लिखी गई थी। कब? 1776 में। क्वेश्चन नंबर 60, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 60 का आंसर हो जाएगा रेगनर प्रेस के द्वारा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बॉक्स में वंदे मातरम लिख दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सेम के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके वीडियो डेली आपके इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7697505033 इन नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।